dear students. So today in EVS, as I told you, we are going to continue with chapter 18, our festivals. Children, the chapter was already introduced to you, okay? And we had discussed what is festivals, okay? We also discussed that India is called the land of festivals. बच्चों, भारत को हम त्योहारों का देश भी कहते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे देश में साल भर विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं. सो इन आर कंट्री देर आर सो मेनी फेस्टिवल्स, हेंस आर कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. ऑल दीज फेस्टिवल्स आर बेसिकली कैटेगराइज्ड इनटू द थ्री टाइप्स. द फर्स्ट इज द नेशनल फेस्टिवल्स नोन एज द राष्ट्रीय त्योहार इन हिंदी. देन वी हैव द हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. दीज आर बेसिकली सेलिब्रेटेड बाय द फार्मर्स एंड देयर कम्युनिटी एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स. जब वो अपने फसलों को काटते हैं तब वो इन त्योहारों को मनाते हैं. देन वी हैव द रिलीजियस फेस्टिवल्स, दैट इज द धार्मिक त्योहार. क्योंकि हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग भी हैं, इसीलिए वे जब अपने त्योहार मनाते हैं तो उन्हें रिलीजियस फेस्टिवल्स कहा जाता है. ओके, सो फर्स्ट कमिंग ऑन टू द नेशनल फेस्टिवल्स, वी हैव थ्री मेन नेशनल फेस्टिवल्स. इंडिपेंडेंस डे विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th of August, also known as Swatantrata Divas in Hindi. Why? Because on this day, our country India got independence. Okay? Our country became a free nation. Next, we have the Republic Day, celebrated on 26th January. Children, our country became a republic. That is, our country made a rule book known as the Constitution, जिसे हम हिंदी में संविधान कहते हैं, जो एक ऐसी किताब है जिसमें ये लिखा गया है कि किसी देश को कैसे बढ़ना चाहिए. देन वी हैव अनदर वन, गांधी जयंती, विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 2nd October. इट मार्क्स द बर्थ डे ऑफ द फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी. थैंक यू चिल्ड्रन.